हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सीकर मैं हूं आपकी दोस्त माही तो दोस्तों जैसा कि आपने मेरे टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज मैथ्यू आर्नोल का सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए एंड आज के पार्ट में जितने भी फैक्ट एंड वर्क उनके रह गए थे तो वो हम आज कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैथ्यू ऑनऑल सेकेंड Arnold's ग्रेटेस्ट लॉन्ग वर्क was Thyrsis, which was written on Arthur ह्यूज क्लॉग तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जो Arnold का ग्रेटेस्ट लॉन्ग वर्क है सबसे बड़ा वर्क है जो वो है थायरेसिस और ये इन्होंने किसके ऊपर लिखा है अपने फ्रेंड Arthur ह्यूज क्लॉग के ऊपर लिखा है At the beginning of this pastoral elegy, ये pastoral elegy है गीत ठीक है ऐट द बिगिनिंग ऑफ दिस पेस्टोरल एलेजी आर फेम फेमस्ड कोटेट ल्यूक्रेटस अब ये ल्यूक्रेटस कौन है ही इज़ अ ग्रेट रोमन फिलोसोफर, क्लासिकल पोएट है ये और रोमन फिलोसोफर हैं तो इन्होंने स्टार्टिंग में इन इनके फेमस कोटेट से स्टार्ट कराया अपनी पेस्टोरल एलेजी को और इनकी कोटेशन है दस यस्टरडे टुडे, टमोरो कम दे हसल वन अनदर एंड दे पास इसका मतलब है जिस प्रकार कल आज और कल आते हैं और वो इतनी जल्दीबाजी करके फिर चले जाते हैं दूर हो जाते हैं तो इसमें फिगर ऑफ़ स्पीच भी बता देती हूँ इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एक एलिट्रेशन है क्योंकि इसमें रिपीट हो रहे हैं लेटल uh, रिपीट हो रहा है एंड क्लाइमेक्स है और पर्सोनिफिकेशन है नेक्स्ट वर्क है इनका द स्कॉलर जिप्सी इट इज़ बेस्ड ऑन द सेवनटीन सेंचुरी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टोरी बाई जोसेफ ग्लैनविले तो द स्कॉलर जिप्सी है ये सेवनटीन सेंचुरी का जो इनका जोस, जोसेफ ग्लैनविले का वर्क है तो उस पर बेस्ड है ठीक है और ये वर्क कौन सा इनका द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग जोसेफ ग्लैनविले का वर्क है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग और ये स्कॉलर जिप्सी इसी की स्टोरी पे बेस्ड है सेवनटीन सेंचुरी का है नोट कर लेना अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड इन क्रिटिसिज्म वाज स्टडी ऑफ पोएट्री विच वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1880 बाय टीएच टी एच वॉट एंथोलॉजी द इंग्लिश पोएट अब सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वर्क जो है आर्नोल्ड का क्रिटिसिज्म में वो है स्टडी ऑफ पोएट्री ठीक है स्टडी ऑफ पोएट्री जो है वो सेकेंड सीरीज़ है इसको जो ओरिजिनली पब्लिश किया था वो किसने किया था टी एच वार्ड ने इनकी ये एंथोलॉजी थी ठीक है इससे ही आर्नोल्ड ने अपना स्टडी ऑफ वर्क लिया तो ये टी एच वार्ड की जो एंथोलॉजी थी उसका नाम है द इंग्लिश पोएट्स और वो पब्लिश थी ओरिजिनली 1880 एटी अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड अ गुड पोएट ऑलवेज बिलीव इन हाई मॉरेलीटी ऑफ कल्चर इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वर्क आर्नोल्ड इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग एक जो अच्छा कवि होता है उसको हमेशा हाई मॉरेलिटी ऑफ कल्चर यानी कि नैत मतलब कल्चर की नैतिकता पर विश्वास करना चाहिए ठीक है और इसीलिए ही आर्नॉल को फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से हम कंपेयर ले लेते हैं फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कौन है तो दोस्तों फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जॉन ड्राइडन और जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ़ क्रिटिसिज्म किसने कहा था वो कहा था सैमुअल जॉनसन ने तो दोस्तों यहाँ से हमारे तीन क्वेश्चन कवर हो गए एक तो मैथ्यू आर्नोल्ड किस पे बिलीव करते थे हाई मॉरलिटी ऑफ कल्चर पे बिलीव करते थे और इनको मैथ्यू ऑर्नॉल को फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से हमने कंपेयर लिया किसका जॉन ड्राइडन का और जॉन ड्राइडन को हम कहते हैं फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑनॉल मॉडर्न है और ये जॉन ड्राइडन क्या हो गया फादर ऑफ़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑनली और ड्राइडन को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसज्मल जॉनसन ने कहा आई होप क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू अब बढ़ते हैं जो जॉन ड्राइडन के क्रिटिसिज्म है लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो कितने टाइप में डिवाइड है थ्री टाइप में कौन कौन से हैं नंबर वन कॉम्पेरेटिव क्रिटिसिज्म नंबर टू ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म नंबर थ्री डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म तो टी एस इलियोट ने कम्पेरेटिव क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट कर दिया था ठीक है और ये किसके सपोर्टर थे ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म के नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड सेट पोएट्री इज एन एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ लाइफ इसका मतलब है कविता जीवन के विचारों का प्रयोग या उपयोग है ठीक है तो आ, हमें पता है कल मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि आर्नोल्ड जो है डायरेक्टिक क्रिटिक हैं मतलब शिक्षाप्रद हैं जो ये और तो डायडेक्टिक से हम कंपेयर ले लेते हैं अस्थेटिक का एस्थेटिक मीन सौंदर्य ठीक है तो एक कोटेशन देख लेते हैं द फ्रूट ऑफ द आर्ट इज़ द फ्रूट इट्सल्फ इसका मतलब है कला का फल स्वयं अपने आप में कला ही होता है आर्ट इज एटोनोमस क्योंकि कला अपने आप में स्वायत्त है तो डू नॉट अटैच मोरालिटी टू वर्क ऑफ आर्ट कला के कार्य को नैतिकता से ना जोड़ें अब एटोनोमस यानी मतलब डिपेंडेंट है कला अपने आप में डिपेंडेंट है ठीक है और ये जो द फ्रूट वाली मैंने कोटेशन बताई थी वो है वॉल्टर पीटर की ठीक है इसको नोट कर लेना तो आस्थेटिक का मतलब सौंदर्य हो गया कला अपने आप में स्वायत्त है डिपेंडेंट है नेक्स्ट वर्क है इनका स्टेंजा फ्रॉम ग्रांड चार्ट्रेस तो इसके अंदर क्या है वाण्रिंग बिटवीन टू वर्ड्स वन डेड टू द अदर पावरलेस टू बी बोन तो इसका मतलब है दो शब्दों में भट भटकाओ वॉन्ड्रिंग का मतलब भटकाव होता है ठीक है तो दो शब्दों में भटकाव से मतलब है यहाँ पे मिसमैच से मतलब है वन डेड यानी कि एक मरा हुआ या फिर एक शक्तिहीन का पैदा होना तो ये डेड एंड पावरलेस में क्या हो गया वॉन्ड्रिंग यानी भटकाव हो गया ठीक है तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी एंड एंटीथेसिस आयरनी आयरनीमिन विडम्बना हो गया एंटीथिसिस एंट्रिथिसमिन नकारात्मक और ये हो गया ठीक है दो शब्दों में आ, मतलब बेमेल जोड़ को ठीक है ये फिलासफिकल पोएम है अब है मैथ्यू आर्नोल्ड इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ इसम्फेसिस ऑन कल्चरल एंड इट इट्स डिफरेंट आस्पेक्ट्स तो इसका मतलब है कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो कल्चरल और उसके जो एस्पेक्ट है डिफरेंस यानी डिफरेंस पहलुओं को अलग अलग पहलुओं को क्या करते थे सपोर्ट करते थे इसलिए इनको द फादर ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म कहते हैं कल्चरल नार्की से ये वर्ड्स जो लिए गए हैं कुछ वो मैं आपको बता देती हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इंडिविजुअली इनसे भी क्वेश्चन अप हो जाते हैं तो नंबर वन है, हैप्रेज्म तो हैप्रेज्म का मतलब होता है रिलेटेड टू इमोशंस ठीक है भावनाओं से संबंधित होते हैं सेकेंड है हेलिनिज्म हेलिनिज्म का मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज एंड माइंड ठीक है नंबर थ्री है फिलिंस्टाइन फिलंस्टाइन का मतलब होता है मिडिल क्लास नंबर फोर है बारबेरिज्म बारबेरिज्म का मतलब होता है असभ्यता र्यूडनेस ठीक है एंड नंबर फोर है पॉपुलेस पॉपुलेस का मतलब होता है आबादी अब डिस्कस करते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम के बारे में जो ये है नंबर वन है थायरेसिस जो मैंने आपको बता दी कि किस पे बेस्ड है ये इनके फ्रेंड और ह्यूज क्लॉक के ऊपर ठीक है सेकेंड है डोवर्स बीच जो इनकी शॉर्टेस्ट है जो कल बताई थी डोवर्स बीच ये ग्रेटेस्ट शॉर्ट पोएम है और की ठीक है नंबर थ्री है स्टैंडा फ्राम ग्रांड चार्टर्स इसके बारे में अभी जस्ट बताया है मैंने फोर्थ है रग्बी चैपल रग्बी चैपल के बारे में भी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था यह ये एलर्जी थी इनके फादर के ऊपर एंड फिफ्थ है सोनेट्स ऑन शेक्सपियर ये एक पेट्रार्कन सोनेट है ठीक है पेट्रार्कन सोनेट को हम क्या कहते हैं इटालियन सोनेट इसका अगला मतलब नेम है पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं तो सोनेट्स कौन लाया था सबसे पहले व्याट लाए थे ठीक है इंग्लैंड में सबसे पहले जो इन्वेंशन सोनेट uh, का करा था वो व्याट ने करा था इंग्लैंड में एंड इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट में क्या होते हैं ऑक्टेव प्लस सेस्टेट होता है ऑक्टेव मीन आठ लाइन एंड सेस्टेट मीन सिक्स लाइन तो इनके सोनेट की राइम स्कीम है जो पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है वो ये है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई तो इसमें जो दो बार रिपीट है ए बी बी ए बी बी ए वो क्या हो गया चार चार लाइन का हमारा आठ यानी कि ऑक्टेव हो गया ठीक है एंड सी डी ई सी डी ई सिक्स हो गया ये हो गया सेस्टेट ठीक है अब यहीं से हम कंपेयर ले लेते हैं इंग्लिश सोनेट का इंग्लिश सोनेट में क्या हो, कितने होते हैं लाइन थ्री क्वार्ट्रेन होते हैं एंड वन कपलेट होता है अब क्वार्ट्रेन में क्या होता है चार लाइन का स्टेंजा होता है कितने चार लाइन का स्टेंजा होता है एक क्वार्ट्रेन में और एक कपलेट में दो लाइन का होता है ठीक है तो ये इंग्लिश सोनेट कौन लाया था सरे लाया था इसका मतलब जो इनका फुल नेम है सरे का वो हैनरी हॉवर्ड सरे ठीक है तो व्याज जो है इंग्लैंड में लाए थे पेट्रार्कन सोनेट को एंड आ, सरे जो है इंग्लिश सोनेट का इन्वेंशन किया था इन्होंने ठीक है इनका नाम हैनरी ऑवर्ड है नेक्स्ट पोएम है इनकी सौरभ एंड रुस्तम ये स्टोरी क्या है फादर एंड सन की स्टोरी है एंड सौरभ रोसन परसियन है ठीक है सेवन्थ है इनका वर्क जो है स्कॉलर जिप्सी इसके बारे में भी अभी बताया था मैंने एर्थ है मेमोरियल वर्सेज मेमोरियल वर्सेज में इन्होंने तीन पोएट की बात की है ठीक है और वो पोएट हैं बायरन वर्ड्सवर्थ एंड गोथे ठीक है अब आर्नॉल्ड को हम क्या कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहते हैं जिसमें इन्होंने कल्चरल को इंट्रोड्यूस किया था और ये न्यूट्रलिटी की बात करते हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म को कौन कौन फॉलो करता है मैं ये भी बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म को ड्राइडन अर्नोल्ड एंड टी एस इलियड फॉलो करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है तो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है जैसी कविता वैसा ही उसे हम समझेंगे मतलब थिंग्स एज दे आर जैसा है वैसा ही हम उसे समझेंगे एंड सब्जेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कविता में अपने आप को इन्वॉल्व करना ठीक है तो सब्जेक्टिविटी के अंदर क्या होता है हम अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं पोइट अपने आप को इन्वॉल्व करके बताता है ठीक है तो इसको सब्जेक्टिविटी को कौन कौन फॉलो करता है वर्ड्स करते हैं एंड कोल्डरेज करते हैं ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में मैं आपको क्लियर कर दूँगी एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो को एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए मैंने अपनी पुरानी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है दोस्तों तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों स्टे सेफ एंड हेल्दी